सब्सक्राइब कीजिए गौरव मॉडिफिकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशंस लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हीरो स्प्लेंडर प्लस के जो पार्ट्स है वो हमने वॉशिंग कर लिए। सो माय फ्रेंड्स, हमने छोटा सामान भी इसका धो लिया है पूरी तरह से, आप लोग देख सकते हो। लेकिन हम ये जो क्लच प्लेटें हैं ये नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी खराब है क्लच प्लेट, हमारे को नहीं रखना है इनको। इसमें जो भी पार्ट्स खराब होंगे हम वो सारे के सारे नए डालने। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पर हमने चेंबर रखा है, और चेंबर इस प्रकार से रखना होता है इसका। इसके अंदर के गियर हमने पहले ही चेक कर लिए थे, खोले उस दिन ही, वो सही थे सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि इसका जो आइटम सही है वो हमारे को चेंज नहीं करना है, और जो खराब है उसको हम चेंज करते हैं। अब हम इसे लेते हैं नाल को, और नाल को इसके अंदर लगाते हैं। इसके गियर बिल्कुल एक्यूरेट है माय फ्रेंड्स। ये रहा वो वाशर जो कि आप लोग देख सकते हो, पहले इसे लगाना होगा और बाद में ये गियर लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लॉक आता है माय फ्रेंड्स, और लॉक के ऊपर ये सटेगा तो फिर ये लॉक को डैमेज कर सकता है, इसीलिए हमारे को ये वाइसर भी लगाना होता है। अरे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है माय फ्रेंड्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये टॉप। सो माय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो चारों गियर इसके अंदर गिर रहे हैं। यहीं से हम बाहर से चेक कर सकते हैं इसको, तो आप लोगों को अगर चेक करना हो तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। बेयरिंग भी नहीं डाले हैं, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। हमारे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमने इंजन के नट अच्छे से टाइप कर दिए। हमारे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अब ये जो पैकिंग है हमारे को क्या करना होता है, इसको इस प्रकार से निकाल देना, और इसको भी डालेंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। थैंक यू। सो माय फ्रेंड्स, हमने जो पिस्टन रिंग है वो अच्छी तरह से लगा दी है इसके अंदर, जिस पोजिशन में हमारे को लगाना होता है उस पोजीशन में हमने इसको लगा दिया है, और अब हम इसको कनेक्टिंग रॉड पे लगाते हैं। सो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। Thank you.